तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द रिवेंज ऑफ ईएफएन का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। इसका पहले का एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो जो ईएफएन था उसके पास एक नई लड़की आ गई थी जिसका नाम सियावलिंग था, जो कि सियाव फैमिली की यंग लेडी है। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है जहाँ पर हम देख रहे थे कि सियावलिंग ईएफएन को सुबह में जगाने के लिए आई हुई थी। देखकर ये चीन उसको बोल रहा था कि तुम रोज सुबह यहाँ पर आ जाती हो मुझे जगाने के लिए, तो तुम कब यह चीज रोकने वाली हो। तो सियावलिंग बोलती है कि यह चीज तो तुमने ही मुझे करने के लिए कहा था और मुझे यह चीज करने में कोई खुशी प्रदान नहीं हो रहा है। तो उसका यह सब बात सुनकर ईएफएन बोल रहा था कि ऐसा लग रहा है कि अब तुम ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखना चाहती हो, तुम्हें वह एलिक्सिर का जरूरत नहीं है और मुझे लगता है कि मुझे कोई और लड़की को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये देखकर सियावलिंग बोल रही थी कि नहीं नहीं, आप चिंता ना करें, आप मुझे 3 एलिक्सिर और दें और मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ बिना कोई शिकायत के। ये बात सुनकर ईएफएन बोल रहा था कि तुम तो मेरे लिए अच्छा सा खाना भी नहीं पका सकती हो और मैं तुम्हें 3 एलिक्सिर और दूँ। सियावलिंग उससे पूछती है कि अच्छा तो आप मुझसे करवाना क्या चाहते हैं। तो ईएफएन बोल रहा था कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा पैर को मसाज करो। तो सियावलिंग बोल रही थी कि तुम यह सब चीज़ मेरे से सपने में करवाना। तभी हम कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सियावलिंग उसके पैर पर मसाज कर रही थी, लेकिन तभी ईएफएन जो है उसको और ज़्यादा प्रेस देता है। अब बोल रहा था कि देखो अब तुमने मेरा और ज़्यादा प्रेस खा लिया है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तो तभी सियावलिंग उसके कंधे पर मसाज करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर दो क्रैन की मदद से, यानी कि वो पंछी की मदद से, वहाँ पर दो बंदे आ गए थे जो कि सियावलिंग के गार्ड्स हैं जिसका नाम सियाव सी था और सियाव ई था। तो तभी एक बंदा बोल रहा था कि मास्टर आप आखिर में यहाँ पर कर के आ रहे हैं और आप इसका मेड कैसे बन गए। ते बात सुनकर दूसरा बंदा बोल रहा था कि आखिर में तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ हमारे मास्टर को आदेश देने का, उनसे काम करवाने का। और उन लोग अटैक करने के लिए तैयार था कि तभी वहाँ पर सियावलिंग उन लोग पर गुस्सा होने लगती है। अब बोल रही थी कि तुम्हें बकवास बंद करो। और उसके साथ ही साथ उसने जो है वहाँ पर ईएफएन को हल्का सा मारा भी था। तभी हम देखते हैं कि उन लोग दोनों गार्ड वहाँ से चला जाता है। तो तभी हम देखते हैं कि वो सियावलिंग फिर से ईएफएन का मसाज करने लगती है। तभी हम देख रहे थे कि उन लोग दोनों गार्ड जा रहे थे जहाँ पर लोग बात कर रहे थे कि आखिर में यंग लेडी सियावलिंग को हो क्या गया है, वो अचानक से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है और वो इतना अच्छा से बिहेव क्यों कर रही है ईएफएन के लिए। और बोल रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो ओल्ड मास्टर हैं उनका तबीयत और ख़राब हो जाएगा और सियावलिंग मास्टर कब जो है मेडिकल डॉक्टर को खोजेंगे। तभी सियावलिंग वहाँ पर पीछे आ जाती है। अब बोल रही थी कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। तो वो दोनों गार्ड बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो यह देखकर उन लोग दोनों बंदा वहाँ पर सियावलिंग से माफ़ी मांगता है, लेकिन तभी बोल रहा था कि आखिर में आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम लोग को जल्द से जल्द मिरेकल डॉक्टर को खोजना पड़ेगा। तो यह सुनकर सियावलिंग उसको बता रही थी कि इस यूनबू किंगडम में जो येचिंग है ईएफएन है उसको जो है गॉड एलिक्सिर के रूप में जाना जाता है और उसका एलिक्सिर वाकई में बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ होता है। तो बस उसका एलिक्सिर ही है हम लोग का लास्ट होप जो कि हमारे ग्रैंडफादर को ठीक कर सकता है। लेकिन बोल रही थी कि वो मेरे साथ जाने के बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन चिंता मत करो, अब वो मेरे उंगलियों के इशारे से नाच रहा है और मैं जो कहूँगी वो करेगा। और उसको बोल उन लोग को बोल रही थी कि मैं जो यहाँ पर एक नाटक करने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरा उसमें साथ निभाओ। तभी हम कुछ समय का बात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों गार्ड भाग रहे थे और उल्लू जो ईएफएन को आवाज लगा रहे थे अब बोल रहे थे कि जो यंग मास्टर सियावलिंग है वो मरने वाली है, आप मेरे साथ चले। तभी हम सियावलिंग का सीन देखते हैं जो कि मेकअप करके वहाँ पर सो गई थी क्योंकि वहाँ पर येचन भी आने वाला था। तभी वहाँ पर ईएफएन आ जाता है और फिर ईएफएन को देखकर सियावलिंग बोल रही थी कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा भयानक बीमारी से पीड़ित हूँ और मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरा एक काम करोगे और मेरा आखिरी इच्छा पूरा करोगे। तो यह देखकर ईएफएन बोल रहा था कि अच्छा तो तुम्हारा आखिरी इच्छा यह है कि मैं तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर को ट्रीटमेंट दूँ। तो सियावलिंग बोल रही थी कि तुम्हें कैसे पता है इसके बारे में। तो ईएफएन बोल रहा था कि तुम्हें बताया था जब तुम मेरे साथ खाना खा रही थी तब। तो सियावलिंग बोल रही थी कि अब जब तुम्हें पता चल गया तो क्या तुम मेरा मदद करोगे। तो ईएफएन बोल रहा था कि हाँ ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर रुके हुए एक जगह बोर हो चुका
चुका हूँ, अब मुझे ट्रैवल करना है। तो तभी यह देखकर सियाओलिन को लगता है कि येफिंग ने मना किया, लेकिन तभी उसको एहसास हो जाता है कि येफिंग ने हाँ बोला है, और वो खुश होती हुई खड़ी हो जाती है और येफिंग के पास जाती है, बोल रही थी कि अब जो तुमने हाँ कह दिया है तो तुम कभी भी अपने बात से मुकर नहीं सकते हो। तो तभी हम देख रहे थे कि येफिंग बोल रहा था कि हाँ हाँ मैं सही कह रहा हूँ। तो तभी हम देखते हैं कि सियाओलिन येफिंग को लेकर वहाँ से चली जाती है, और फिर तभी हम देख रहे थे कि उन लोग जो वहाँ पर से क्रेन की मदद से वहाँ पर से जा रहे थे, जहाँ पर येफिंग सोच रहा था हम अपने मन में कि मुझे अभी तक पता नहीं चला कि नाइन हेवन डाओ पैलेस कितना ताकतवर है, लेकिन हाँ कुछ समय के बाद से उन लोगों ने मेरे खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया है, और मैं इस ट्रिप का पूरा यूज़ करने वाला हूँ नाइन हेवन डाओ पैलेस का पूरा पावर के बारे में जानने के लिए, और साथ ही साथ जो मेरा क्रिम्सन फेडर आर्मर है उसको पूरा एक्टिव करने के लिए। अब बोल रहा था कि मुझे अपना पूरा कल्टिवेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। तभी वहाँ पर आवाज़ आता है सियाओलिन का कि अचानक से यहाँ पर इतना गर्मी कहाँ से आ गया, जहाँ पर हम देख रहे थे कि उन लोग जो है लैंड ऑफ फ्लेम में आ गए थे, जहाँ पर चारों तरफ आग फैला हुआ था, जहाँ पर सियाओलिन बोल रही थी कि इसके पहले जब मैं यहाँ से वापस आई थी तो मुझे यह सब बिल्कुल भी याद नहीं है, मैं कोई ऐसा जगह से क्रॉस की थी। तो तभी उसका सर्वेंट बोल रहा था कि मुझे लगता है कि यह जो रॉक लावा माउंटेन बेस्ट के द्वारा किया गया है, और बता रहा था लावा बेस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और ऐसा माना जाता है कि उसके पास जो ड्रैगन का ब्लड लाइन मौजूद होता है, और वो अक्सर बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का होता है, और वो अक्सर बहुत ज़्यादा ही गर्म वाले एरिया में रहता है जैसे कि कोई वॉल्केनो, लेकिन जब कोई उसको गुस्सा दिलाता है तो वो अपने आस पास के बहुत ज़्यादा एरिया को आग से पूरा कवर कर देता है, वहाँ पर पूरा लावा फैला देता है। अब बोल रहा था कि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इतना भयानक मॉन्स्टर को कैसे गुस्सा दिला सकता है, और बोल रहा था कि हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए इससे पहले कि हम लोग कोई मुसीबत में पड़ जाएं। तो तभी हम देखते हैं कि सियाओलिन भी ऐसा करती है, और उन लोग वहाँ से जाने लगते हैं जहाँ पर उन लोग एक वॉल्केनो के ऊपर से ही जा रहे थे, बताओ साइड से तो जा सकता है लोग, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से उस वॉल्केनो से बहुत ज़्यादा लावा गिरने लगता है, लावा उन लोग की तरफ आने लगता है, तो इस कारण जो है वहाँ पर जो येफिंग के अंदर क्रिम्सन फेडर आर्मर था वो एक्टिव होने लगता है, वो हरकत करने लगता है। तो ये देख कर येफिंग बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था, उसका पावर भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। तो ये देख कर उन दोनों सर्वेंट बोल रहे थे कि क्या सियाओलिन सही सलामत रहेगी इस बंदे के साथ। तभी हम देख रहे थे कि उन लोग की तरफ बहुत ज़्यादा आग के गोले यानी कि फायरबॉल आ रहे थे, तो वो क्रेन जो उन सारे फायरबॉल से बच रहा था, जहाँ पर सियाओलिन बहुत ज़्यादा डर रही थी। और फिर जब वो क्रेन नीचे गिरने लगता है तो वो तो सियाओलिन का हाथ छूटने के कारण वो जो आसमान में चली जाती और वो अकेले होकर गिरने लगती है, जहाँ पर येफिंग उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नाकामयाब हो गया था तो वो भी वहाँ पर उसको पकड़ने के लिए उस क्रेन को छोड़ देता है और उसको सही सलामत पकड़ के नीचे लैंड करवा देता है। हम देख रहे थे कि सियाओलिन बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, तभी येफिंग उसको शांत करवाता है। तो ये देख कर सियाओलिन खुश थी क्योंकि वह जिंदा थी। तभी वो येफिंग से पूछ रही थी कि आखिर में उसका दोनों सर्वेंट कैसा है। तो ये चिन बोल रहा था कि चिंता मत करो, उन लोग बिल्कुल सही सलामत होगा और हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ पर से निकलना चाहिए क्योंकि यह बिल्कुल सेफ नहीं है। लेकिन जब उन लोग वहाँ से जाने लगते हैं तभी वहाँ पर भूकंप आने लगता है। तो येफिंग सियाओलिन को अपना कान बंद करने के लिए बोल रहा था, तो सियाओलिन बोलती है कि लेकिन क्यों। तभी वहाँ पर लावा बेस्ट आ जाता है और वो जो सियाओलिन पर अटैक करने वाला था, कि तभी येफिंग वहाँ पर डिवाइन पल एरे की मदद से सियाओलिन को बचा लेता है और वो लावा बेस्ट कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर तभी हम देखते हैं कि येफिंग जो है उस लावा बेस्ट पर अटैक करता है, लेकिन वो लावा बेस्ट का जो स्किन था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, स्ट्रॉन्ग था, जिससे येफिंग पीछे हो गया था और उसको भी समझ में यह बात आ गया था। तभी वो फिर से उस लावा बेस्ट पर अटैक करता है, जहाँ पर इस बार वो दोनों एक दूसरे को बाउंस बैक कर देते हैं, दूर हटा देते हैं। तभी येफिंग जो है यह देख कर बहुत ज़्यादा हैरान था। तभी उसको पता चलता है कि जो लावा बेस्ट है वो घायल हो रखा है, तो वो फिर अपने स्वॉर्ड टेक्निक का फर्स्ट फॉर्म स्वॉर्न पैसेज टेक्निक का यूज़ करके उस लावा बेस्ट पर अटैक करता है
और फिर तभी हम देखते हैं कि वह लावा बिस्ट येफेंग पर भी बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा था एनर्जी बॉल की मदद से, लेकिन जब उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है तो वो एनर्जी बीम से अटैक करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि येफेंग उसके एनर्जी बीम से बचते हुए जा रहा था, जहाँ पर वो एनर्जी बीम सियावलिन को भी लगने वाला था, लेकिन उसके आगे तो एक फॉर्मेशन लगा हुआ था जिसके कारण वो भी बच जाती है। तभी तो येफेंग बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे फायर से डरता हूँ? नहीं। और फिर तभी वो अपना फायर एट्रीब्यूट का टेक्निक जिसका नाम लाइट ऑफ ब्लड लाइन है उसका यूज़ करके उसको फायर को रोकते हुए काटते हुए उसके पास जाता है और वो जहाँ घायल हो रखा था उसमें अपना तलवार घुसा देता है। तो येफिंग और उस लावा बिस्ट का इतना पावर देखकर वो सियावलिंग बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि येफिंग जहाँ पर खड़ा था वहाँ ज़मीन में दरार आ जाता है और ये दरार उस लावा बिस्ट ने ही किया था और वो जो येफिंग पर एनर्जी बीम से अटैक करने वाला था कि तभी येफिंग उसके अंदर से तलवार निकाल देता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसके कारण वो लावा बिस्ट भी उसके साथ नीचे चला गया था। तो ये देखकर सियावलिंग बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।